हाय एवरीवन। तो आज करवा चौथ का दूसरा दिन है, मतलब दूसरा दिन कहने का मतलब करवा चौथ खत्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से जुगाड़ करके सैमसंग के मशीन के ऊपर टेबल बना के मैंने ये पूरा सेटअप किया, राइट। और बहुत ही खूबसूरत है सेटअप, आप देख सकते हैं, एकदम करीब से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सजाया था, लेकिन अभी क्या है कि अब टाइम आ गया है क्योंकि करवा चौथ हो चुका है और आज दूसरा दिन है। तो मैंने ये पूरा का पूरा यहाँ पे जितना आप देख रहे हैं ये पूरा सेटअप किया था बहुत अच्छे से। मैं आपको फोटोज़ भी ज़रूर दिखाऊंगी। और अब जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं मतलब हल्दी वगैरह जितना भी यूज़ चावल था, जो चावल होते हैं उसमें हल्दी डाला जाता है, तो वो सारे मैंने इस तरीके से यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। और उसको रख लिया है ताकि जो भी पक्षी हैं या आप जिनको भी देना चाहते हैं, खैर मैं तो उन्हीं को देती हूँ, ठीक है, जो भी चिड़िया वगैरह है सबको मैं यही देने वाली हूँ। सो ये है। और यहाँ पे वाटर है, आप देख सकते हो, दिख रहा होगा पानी है, ठीक है। तो ये पानी, इसमें हल्दी वगैरह ये सब देते हैं, तो ये सब जाएगा मेरे प्लांट में। और कुछ खास और है नहीं, आप देख सकते हैं। तो मैं बस इसलिए दिखा रही थी आपको यहाँ पे कि आप ये मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, जो है उसमें आप बेस्ट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो दिया जो है, क्योंकि ये पेपर का है तो मैंने क्या किया कि एक दिया लिया और दिए के ऊपर एक और दिया रख दिया, राइट। और उसी पे मैंने बत्ती जला दी ताकि नीचे हीट नहीं हो। दूसरा चीज़ यहाँ पे हल्दी वगैरह या इस तरीके की चीज़ें लोग हैं ना बहुत सोच समझ के डालते हैं। वो सोचते हैं कि अरे हल्दी जो है हमको न्यू लानी होगी और ये सब करना होगा, तो ऐसा नहीं है। घर में जो आप हल्दी यूज़ करते हो आप वो ही यूज़ करो, घर में जो चावल अरवा चावल होता है वो यूज़ करना है, राइट। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको स्पेशल कुछ अरेंजमेंट करना होता है। बस स्पेशल ये है कि ये पत्ते कहीं से आप ले आओ, बिकॉज ये पत्ते जो हैं आम का या अशोक का पत्ता ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। लेकिन मैं जैसा मानती हूँ कि भगवान ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कहते कि यही पत्ता होना चाहिए, कि ऐसा ही पत्ता होना चाहिए। आपके पास जो भी पत्ता अवेलेबल है इस शेप में आप उस पत्ते को यूज़ कर सकते हैं, राइट। और मैं क्या बताऊँ, और सिंपल सी चुन्नी तो मैंने खरीदी है जो कि बहुत प्यारी है। और हाँ, आपको शायद पता होगा कि करवा जो है वो 1 साल तक बचा के रखते हैं, ठीक है। दोनों का जो मतलब कोई दो करवे चढ़ाते हैं, कोई एक चढ़ाता है, जो भी है, तो वो कम से कम तो 1 साल तक आपको उसको सेफ करके रखना होता है, राइट। तो वो करवा भी मैंने सेफ करके रखा है। अब कैसे सेफ करके आप रख सकते हो उसका मैं एक आइडिया आपको देती हूँ, राइट। तो यहाँ आप ओटू को देख पा रहे हैं कि बस मस्ती करने में लगा हुआ है। यहाँ से ट्रेन दिखाई देती है और वो ट्रेन को देखने में लगा हुआ है ना ओटू। खैर, अब आइए दिखाती हूँ मैं यहाँ पे किस तरीके से आप यहाँ पे मैंने एक ल्यूमिनस का ये लिया है, क्योंकि ये डब्बा मुझे आया था इन्वर्टर में और मैंने ये लिया है। इस डब्बे के अंदर आपको मैं दिखा दूँ किस तरीके से मैंने क्या क्या रखे हैं, ठीक है। एक चुन्नी जो माता को चढ़ाई थी, ठीक है, गौरा और जो गणेश बनाते हैं उसमें जो चुन्नी यूज़ करते हैं वो मैंने रख दी है सेफली। और यहाँ पे दोनों वो करवे जो हैं उल्टे करके रख दिए हैं। इसमें जो अजंता वगैरह लिखा हुआ है, ये जो है ये घड़ी का डब्बा था मेरे पास रखा हुआ, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है कुछ चीज़ें, जैसे कि प्लेट जो कि अगले साल भी यूज़ हो जाएगी, जो छलनी जिसे कहते हैं, छलनी छलनी जो भी है वो भी रख दिया है। और इसके साथ मैंने जो इसके ऊपर जो रखते हैं ना करवे के ऊपर, राइट, ये वाला ये जो है ये इसके ऊपर का था और ये रेड कलर का अलग कलर का जो है करवा, इसके रुको ना, इसके अंदर रख दिया है मैंने वो करवा, राइट। और इस तरीके से मैंने सब चीज़ें रखी हुई हैं। और लोग गौरा गणेश को जो है विसर्जित कर देते हैं, मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं उसे 1 साल तक रखने वाली हूँ और उसके बाद मैं उनको विसर्जित करूँगी। तो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी हैं। अब ये डब्बा आप कहीं भी सेफली रख सकते हो, इसमें कुछ नहीं होगा, राइट, किसी तरीके से आपका करवा फूटेगा नहीं और कुछ नहीं होगा। तो आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, अगले साल इसे विसर्जित किया जाता है, राइट। तो मिलते हैं फिर से, बाय, टाटा कर दो बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।